माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। दिस वीडियो इज फॉर क्लास फोर्थ एंड योर सब्जेक्ट इज मैथ्स, एक्सरसाइज 1.2। इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1, 2, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, 2, क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव ऑलरेडी डन इन आवर प्रीवियस वीडियो। I hope you completed your home assignment till question number 6. This is the part 3rd of exercise 1.2, 1.3 exercise ka ye part 3rd video hai, third part video hai. Okay, in this part we will start from question number 7. Fill in the blanks. The numbers, read with me, the number that is between 8999 and 9001 is 8999 ke baad aur 9001 se pehle wala number between, yehi hota hai na, iske baad wala aur is number se pehle wala. So minus 1 of 9001 minus 1 equals to 9000. 8999 के बाद की वैल्यू क्या होती है? 9000. ओके, द प्रेडिसेसर ऑफ 689490 से पहले वाला, प्रेडिसेसर मीन्स पहले, जस्ट बिफोर करने के लिए वी विल माइनस वन करेंगे ऑफ दिस नंबर. माइनस वन करने के लिए वी विल नॉट चेंज अप टू 100 प्लेस वैल्यू. माइनस वन करेंगे तो 100 प्लेस वैल्यू तक का नंबर तो चेंज नहीं होता. यू विल राइट एग्जैक्ट द सेम वैल्यू. नाउ वंस एंड टेंस, कम ऑन द नंबर वंस एंड टेंस. 90 माइनस वन इक्वल्स टू 89. नंबर इज 689489. सी द सक्सेसर ऑफ 82769 इज, सक्सेसर मीन्स जस्ट आफ्टर. 82769 जस्ट आफ्टर मीन्स वी विल डू प्लस वन. ओके, 82,670 is the answer. Is that clear? Fourth, writing a number as the sum of the place values of digits, it's called the expanded form. Expanded form of that number. राइटिंग अ नंबर दैट इज सम ऑफ द प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यूज को हम राइट करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दैट नंबर. इज दैट क्लियर? नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 8. देयर आर सम सीरीज यू विल सीन इन योर बुक, सो वी विल कंप्लीट देम. ओके, हम इनको कंप्लीट करेंगे. सीरीज को करने का तरीका बेटा, सबसे पहला तरीका क्या होता है, यू विल चेकआउट द नंबर. आप नंबर को चेकआउट करेंगे और फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन देम. नंबर्स को चेकआउट करने के बाद उस पर डिफरेंस देखेंगे कि उनमें कितना कितना मार्जिन का गैप है. चेक दिस नंबर, 1635 1636 1637. काउंटिंग है, प्लस वन. You will do the series just plus 1 at the last of the number. Plus 1 करेंगे 37 में, तो 38 39, and the last one is 40. 1638 1639 1640. बेटा आप सीरीज कंप्लीट करते हैं ना, तो प्लस 1 है तो आप बाकी की 3 नंबर्स को एग्जैक्ट लिख देंगे. इन केस ऑफ 9 वी विल डू प्लस 1, तो कैरी फॉरवर्ड होती है. जिस सीरीज में जिस नंबर का इंक्रीमेंट हो रहा है ना, जिस प्लेस वैल्यू पे, हम उसी प्लेस वैल्यू को चेंज करेंगे, बाकी की प्लेस वैल्यू को हम एग्जैक्ट उतार देंगे. ओके, चेक आउट दिस सीरीज, 25,044 25,046
25,048. We will see at once place value, the number is increased by 2. Once place value को check करो, बाकी exact है. Once place value में changes है, +2, +2, +2. Is that clear? तो हम भी इस series को आगे +2 के margin से करेंगे. 48 + 2, 50. So 25,050. 50 + 2, 52. 25,052. 25,054. Is that clear? Now come on the next series. Check out this series. 3,72,150. 160. These are same. 170. So next number is, the number is increased by 10. +10, 60. +10, 70. +10, 80. 3,72,180. +10, sorry. 3,72,090. And 190 + 10, it becomes 200. 3,72,200. Is that clear? ये margin किससे हो रहा था? 10, 10 से देखो. Minus कर लिया करो. अगर आपको फिर भी confusion है तो आप second series के second number में से first number minus करके check out करो. Third में से second को check out करो. और difference देखो, same difference है. It means series is increased by 10. In this, check this last place value number. देखो बेटा, हम लास्ट प्लेस वैल्यू क्यों चेक कर रहे हैं? क्योंकि स्टार्टिंग नंबर्स हमारे ऑलरेडी सेम है. 8,95,700. सेम, नो चेंज. तो चेक आउट दीज टू नंबर्स, टेंस एंड वंस. 20, 25. 25 - 25, 5. 30 - 25, 5. The series will increase by +5. So 30 + 5 = 8,95,745. 8,40 + 5 = 95,745. Is that clear? Very good. Now the last one, last one को check out करेंगे बेटा, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे. Check this series. 4,42,141. 5,42,141. 6,42,141. These parts is equal in all series. Series में जितने भी numbers हैं उनमें सब में ये part equal है ना. It means changes कहाँ है? Lakhs place value पे. Lakh की place value पे changes है. 4 lakh, 5 lakh, 6 lakh. तो अगला क्या हुआ? 4, 5, 6, 7. 7 lakh. और बाकी का मार्जिन सेम आएगा, बाकी के नंबर्स सेम. 8,42,141 एंड द लास्ट वन इज 9,42,141. इज दैट क्लियर? सो दिस एक्सरसाइज हैज कंप्लीटेड. योर होमवर्क इज डू exercise 1.2 in your notebook. Till notebook, okay? In your notebook. Till Wednesday. Wednesday तक आपको ये home assignment complete करना है. And you will send either in school, come in school and give me your notebooks. Or you will send through WhatsApp, take out the picture of the homework and send us on WhatsApp group. Till then, stay safe, stay home.